यहाँ अभी 7 किलोमीटर है, यहाँ से 7 किलोमीटर है सुहागरा। तो मंदिर दिखाते हैं आप लोग को। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आए हैं सुहागरा जो कि घुटनी के साइड में है, बाबा हंसनाथ का एक मंदिर है, वहीं पर आए लो दर्शन करने। तो आज दिखाते हैं, यही है भाई मंदिर जो मेरे सामने दिख रहे हैं। और सिवान से करीब 35 किलोमीटर दूर है जो कि मायरे वाला सीधे रास्ते आइएगा तो बाबा हंसनाथ का ये मंदिर है, काफ़ी फेमस है, बहुत फेमस मंदिर है। तो दिखाते हैं भाई, जैसे मैदान है वैसे ही एक बाबा हंसनाथ का भी धाम है। ये देख सकते हैं साइड में भाई, जल ही लेना है लेंगे, जल होने चले के लिए जाओ वजह से। और ये है भाई, सीढ़ी से चढ़े हुए हैं लोग, अंदर जा रहे हैं लोग, तो चलेंगे आपको अंदर भी दिखाएंगे। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। यही है भाई मंदिर। और इधर है ये भाई, तो ये देख सकते हैं भाई। और इधर से जल वल लेकर आ रहा है लोग, तो हम भी चलेंगे इधर आगे, उधर से लेंगे प्रसाद और साथ जल चढ़ाने के लिए। बुलाओ है ना, यहाँ पर जा रहे लोग। और इधर से हम लोग आए हैं, ये रहा भाई हम लोग, ये ले लिए पूजा का मटेरियल ले लिए, इसमें फूल कलर सोलर सब मिल गया। अभी चल रहे हैं, चल रहे तो आगे चल रहे हैं, चल रहे। ये रहा भाई बाबा हंसनाथ के लिए पूजा करने के लिए, तो वहाँ से जल लेते हैं। जल ले लो, कल वाला जल मिलता। एक मिनट, रुका ना, रुका रुका ना, ए तू हमारा अगला वीडियो हम चल लेते हैं, लाइव बने बाबा, लाइव देख के बना देती होता। जल्दी बुलाओ तनी हम हो भेजा बाहर। मेरा भाई जल ले लिए, अभी चलते हैं मंदिर। सभी शिव भक्तों का बाबा हंसनाथ शिवा समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस रास्ते से ना जाए, इस रास्ते से चला विषय के लिए ना जाए। तो भाई जल वल सब ले लिए यहाँ पर। और ये देख सकते कितना भाई लंबी लाइन है, काफी बड़ी लंबी लाइन है, इधर वो वहाँ तक है भाई, वहाँ मंदिर है। चलो देखते हैं कितना बड़ी लाइन है। और ज्यादा भीड़ भी नहीं है, आराम से लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं लोग, जल्दी जल्दी चढ़ाकर निकल जा रहा है लोग, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। तो अभी चलते हैं और आगे, करीब लगा हुआ है कम से कम 500 मीटर तक लंबी लाइन है। वो दोनों मेरे दोस्त लोग हैं, आगे चला गया लोग, मैं अभी पीछे हूँ। तो भाई साहब यहाँ तक लास्ट लाइन है, मैं ले लिया हूँ सब चीज, जल वल ले लिया हूँ, अभी चलते हैं अंदर मंदिर में, चलते हैं जल्दी 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 जल्दी, लाइन जा रही है। एक मिनट। तो यहाँ पर आप लोग भी आइएगा तो पूजा वूजा कर सकते हैं आराम से। भाई आज फर्स्ट लास्ट हमारी है ना, ये सावन का लास्ट है, तो इसीलिए आए लोग यहाँ पर, जो कि अभी पूजा वूजा करेंगे और मंदिर भी आप लोग को दिखाएंगे। तो बताइएगा फ्रेंड्स।
तो ये रहा भाई मंदिर, बाबा हंस हंसनाथ का मंदिर है। तो ये भाई जल ले लिए, अभी मंदिर में चलते हैं। और मंदिर से भाई ये बाहर का सीन, चलो अंदर चलते हैं। भाई साहब बहुत काफी भीड़ है, बहुत लोग आए लोग। तो भाई साहब बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है यहाँ पर, काफी भीड़ है। मेदार से भी तो ज्यादा लग रहा है, यहीं पर भीड़ है, देख सकते हैं और कितना भीड़ है। बहुत बड़ी भाई, पीछे नीचे लंबी लाइन लगी हुई है, आगे भी बहुत बड़ी लंबी लाइन है। तो चलो यहाँ दो लाइन है, एक जेंट्स के लिए और लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में लेडीज के लिए। तो ठीक है, अच्छा है भाई, दोनों रो अलग अलग है। भाई लाइन रुकी हुई है, अभी अभी लेडीज लोग का जा रहा है लो, जेंट्स लोग का लाइन रोका हुआ है लो। इन लोग का जब पूजा हो जाएगा तब हम लोग का छोड़ेगा लो। चले स्टैंड बना के कमजोर थे। भाई बाबा हंसनाथ का मंदिर, और ये द्वार है, इसी के अंदर बाबा हंसनाथ का मंदिर, ये शिवलिंग है बाबा भोलेनाथ का। और ये रहा भाई एग्जिट, ये एग्जिट है और ये एंट्रेंस है यहाँ से। ये रहा भाई मंदिर के जस्ट अंदर में फ्रंट में, ये भी माता जी का मंदिर है।
होटल में ये भी है, अभी चल रहे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं सब। इधर है काफी ये धुआं हुआ हो गया है, अभी चलते हैं अंदर, बाहर चलते हैं। इधर टीका करने वाले बहुत लोग बैठे हैं, लोग लाइन से। और ये रहा भाई हवनपुर भोलेनाथ का, और इधर भी चलते हैं थोड़ा, आप लोगों को दिखा देते हैं। ये मंदिर का लेफ्ट पोर्शन है। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है, काफी भीड़ है यहाँ पर। जो दान वन देना दे सकते हैं ना, वो देना चाहेगा तो दे सकता है, चावल वाल जो भी जिसको भी दान करना होगा वो कर सकते हैं यहाँ पर। ये सभी दान वाले बैठे हैं लोग। और ये रहा भाई मंदिर, यहाँ से एग्जिट है और उधर से एंट्रेंस है, आगे दिखाते हैं एंट्रेंस हम लोग को। तो वहाँ पर लोग जा रहे हैं लोग अंदर, वहाँ से घूम कर वहाँ अंदर जाना होता है, जल चढ़ाना होता है, चढ़ाकर फिर एग्जिट करके इधर से बाहर निकलना रहता है। फ्रेंड्स आप लोगों को हंसनाथ बाबा में मंदिर में स्वागत है आप लोग का, और यहाँ पर सब घूम लिए, बाबा भोलेनाथ का भी दर्शन कर लिए और जल वल अभिषेक कर लिए, पूजा चढ़ा लिए, पूजा कर लिए, सभी पूजा करके ही लोग जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। मैं भी अब बाहर निकलता हूँ, ये रहा एग्जिट पॉइंट। और इधर बैठा है लोग मतलब ये करने के लिए, मतलब ये दान वान जो भी देना चाहता है ना वो उसके लिए है। बहुत सारा लोग मतलब दान यहाँ पर रहता है लोग तो करता है, अच्छा है भाई, दान वान करना चाहिए। और इधर इधर भी है, तो अभी हम बाहर निकलते हैं, इधर बाहर निकलते हैं, बाहर यहाँ से एग्जिट करते हैं। तो ये रहा भाई, दर्शन कर लिए, अभी वो सब दोस्त है मेरा लोग इंतजार कर रहा है लोग, वो लोग जल्दी निकल गया, वही जाता है लोग तो अच्छा सा घूमता भी नहीं है लोग। नमः शिवाय लिखा हुआ है मंदिर का एग्जिट पॉइंट, यहाँ पर बच कर चले भाई, सीढ़ी वीढ़ी ये भाई सीढ़ी ये पत्थर का लगा हुआ है, पैर स्लिप भी कर सकता है, इसलिए जो भी जाए संभल कर मतलब यहाँ से निकले आराम से। बोले दर्शन हो गया, तो ये भाई एग्जिट जहाँ पर निकलते हैं ना वहाँ का सीन है, काफी भीड़ है, यही से एग्जिट किए। अभी चलते हैं हम उधर जिधर से प्रसाद वरसाद मतलब जल लिए थे लोग, वहीं चलते हैं, अपने जूता उतर लेंगे और फिर आप लोग ये पूरा घूमेंगे दिखाएंगे, ठीक ना। तो फ्रेंड्स ये बाहर जहाँ से निकलते हैं ना हम लोग वहाँ का सीन है ये, और ये रहा भाई यहाँ का काफी भीड़ है, मेदार से भी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर भाई, चलो मेदार से भी ज्यादा भीड़ है। अब इधर का दिखा रहे हैं आप लोग को, ये भाई कितना भीड़ भाड़ है, इधर भी प्रसाद वरसाद भाई मिलता है। इधर भी जल चढ़ा रहा है, प्रसाद लेना है, हम प्रसाद नहीं लेंगे, मेरे घर में कोई नहीं खाता ना। तो यहाँ पर दोस्त सब प्रसाद ले रहा है सब, इधर भी लोग जल चढ़ा रहे लोग। यहाँ पर बाबा हंसनाथ का दर्शन कर लिए, काफी अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा, और उतना भी भीड़ भाड़ नहीं था, आराम से दर्शन हुआ। यहाँ पर किसी प्रकार का डोंगा होगा नहीं है जिसमें जल रखा जाता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का यहाँ पर ऑप्शन है, लेकिन और सब जगह नहीं है। तो अच्छा भाई यहाँ पर जल चढ़ा लिए, अभी चलते हैं हम आगे की तरफ जिधर से मेन गेट है ना उधर चलते हैं, और वहीं से लोग एंट्री करता है लोग, वहीं चलते हैं। अभी ये लोग प्रसाद ले रहा है लोग, और यहाँ पर काफी अच्छा भाई शांति से आराम से दर्शन हो गया। हेलो गाइस, हम चलते हैं, हम मोबाइल में ज्यादा ही घूमे हैं।
अभी चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं भाई। बहुत गर्मी है, काफी धूप है, बहुत धूप है यहाँ पर। अच्छा से दर्शन हो गया भाई, टिकट भी है, यही लेकर जाना रहता है ना। ₹10 का ठीक है, ठाक है, ठीक है, और पूजा कर सकते हैं। चलो चलो, तो भाई चले सुधर कहाँ भाई। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, काफी दूर तक, वहाँ तक लगी है, उधर तक लाइन लगा हुआ है। तो ज्यादा देर भी नहीं वेट करना पड़ा, 20 मिनट में दर्शन हो गया, खूब अच्छा से। चलो तो भाई, फाइनली मैं बाबा हंसनाथ का धाम का दर्शन कर लिया हूँ और मैं यहाँ से अब सुबह चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग को बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और बताइएगा सब, आप लोग को पूरा अंदर तक दिखाए हैं, सब शिवलिंग भी, सब जल अभिषेक पूजा उजा करके सब चीज़ दिखाए हैं। तो बताइएगा, और ब्लॉग अच्छा लगे तो फॉलो भी करिएगा और लाइक शेयर भी करिएगा। तो अभी मैं मंदिर के जस्ट सामने हूँ, दोस्त लोग सामान ले रहा लो, सामान ले लेगा लो, उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग एग्जिट करेंगे, गाड़ी लेंगे, फिर चले जाएंगे। बाय बाय फ्रेंड्स।